हेलो यूट्यूब माय फैमिली, मिली जुली किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं एक रेसिपी लाई हूँ जो बिहार का फेमस है और बिहार में बहुत ही बिहार के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे लिट्टी और चोखा बिहार का फेमस है, तो यहाँ पे मैं लाई हूँ लिट्टी और चोखा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन का और टमाटर का चोखा। तो गाइज, मैं लहसुन अगर आप लोग पका सकते हैं तो इसमें पका सकते हैं, लहसुन का पूरा जो पोट होता है पका सकते हैं, हरी मिर्ची पका सकते हैं साथ में। पर मैं नहीं पका रही हूँ क्योंकि मैं लहसुन का पाउडर डालूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो ये आटा जो है मैं लिट्टी के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैं रिफाइंड डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा। ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि सत्तू में भी नमक रहेगा। और थोड़ी सी मैं रिफाइंड 2 चम्मच बड़ा चम्मच से डाल रही हूँ, 3 चम्मच, इसलिए कि थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी। और गाइज, लिट्टी का जो आटा है थोड़ा कड़ा होना चाहिए, रोटी की आटा की तरह नहीं होना चाहिए, मुलायम। तो यहाँ पे देखिए, मैं रिफाइंड मिला ली हूँ और मैं इसे गूथ रही हूँ, तो इसका एक डो तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसका डो एक तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आटा का डो रेडी है और मैं सत्तू बना रही हूँ। तो सत्तू में मैं मंगरेला अजवाइन, नमक और आदि, ये लहसुन का पाउडर है। और देखिए यहाँ पे हरी मिर्ची और धनिया पत्ता और आदि का पेस्ट था, और मैं नींबू गा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं सरसों के तेल इसमें मिलाऊंगी। तो गाइज, लिट्टी चोखा तो बिहार का जो फेमस है, सो रियल फेमस है गाइज, ये फेमस रियल है क्योंकि लिट्टी चोखा बहुत ही टेस्टी लगती है। ये घड़ी बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में तो और ही लिट्टी चोखा अच्छी लगती है, वो भी आग गोल वाला लिट्टी मिल जाए घी वाला, तो बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। छाना हुआ लिट्टी से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी सी मैं पानी इसमें डाल रही हूँ और इसे मिला रही हूँ। अगर गाइस आप लोग को 1-2 दिन के लिए इसे रखना है लिट्टी को, तो आप लोग इसमें पानी नहीं डालिएगा, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा तेल डाल दीजिएगा। और अगर तुरंत खाना है तो इसमें थोड़ी बहुत पानी डाल सकती है। तो देखिए, मेरा आटा और लिट्टी का जो सत्तू होता है वो रेडी है। तो गाइज, अगर चैनल पे आप लोग देखिए, मेरा सत्तू रेडी है। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे मेरा बैंगन और टमाटर पक रहा है, तो देखिए मैं जाली पे पका रही हूँ और इसे धीरे धीरे पलट देनी है। और गाइज, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, फुल देखिएगा, तब आप लोग के समझ में आ जाएगी। उधर मैं बैंगन और टमाटर पका रही हूँ, तब तक लिट्टी का जो ये है मैं सारा भर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से गोल करके, और ये लिट्टी भरना है सत्तू, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, आधा वीडियो देख के नहीं छोड़िएगा। आप लोग को रेसिपी समझ में नहीं आएगी आधा देखिएगा, तो फुल देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी। और गाइज, प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से गोल गोल बना लेना है। मैं जितनी आटा तैयार की हूँ सबको इस तरह से मैं गोल गोल बना लूँगी, उसके बाद आप लोग को आगे की दिखाती हूँ। तो गाइज, थोड़ी हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आगे बढ़ाइए। और यूट्यूब माई फैमिली, आप लोग की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिए। और कमेंट में बताइए कि बिहार के फेमस रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, कमेंट में बताना नहीं भूले। और गाइज, इस तरह से एक बार लिट्टी चोखा बनाकर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा बैंगन और टमाटर दोनों पक चुकी है। तो यहाँ पे बैंगन को इस तरह से कट कर लीजिएगा तो पकने में आसान हो जाएगा। इस तरह से कट करके और थोड़ी सी ऊपर सरसों का तेल लगा दीजिए, तो बहुत ही ऊपर का जो छिलका होता है उतरने में आसान हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से टमाटर का भी छिलका मैं उतार लूँगी। और गाइज, जो कढ़ाई में चटनी टमाटर का बनाया जाता है और बैंगन का,
उससे टेस्टी ये पकाया हुआ लगता है। तो एक बार पका कर बना कर जरूर देखिएगा आप। रोज़ रोज़ यही खाना खाइएगा, यही चोखा, मतलब यही जो बैगन और टमाटर को चोखा है बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और गाइस इसमें थोड़ी सी लहसुन और सरसों का तेल ज़्यादा लगता है, अच्छा से दे के बनाइए तो सब्जी फेल हो जाती है गाइस। और अगर इसमें आप लोग और तरह से बनाना चाहते हैं तो इसमें आलू आलू और भी मिला सकते हैं। आलू, टमाटर और बैंगन का चोखा भी मैं डालूंगी रेसिपी। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ और तेल, सरसों का और लहसुन आदि का पेस्ट मैं डाल दूंगी और नमक स्वाद अनुसार। और इसे इस तरह से बनाना है गाइस। और कमेंट में बताइएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मैं धनिया के पत्ता डाल देती हूँ, तो गाइस कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा प्लीज़ गाइस, मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत है। तो आप लोग हेल्प कीजिए तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं गोल गोल लिट्टी कर ली हूँ और मेरा चोखा भी रेडी है। तो आप लोग बताइएगा कि बैंगन और टमाटर का चोखा आप लोग को कैसी लगी, और इसके साथ लिट्टी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है गाइस। तो एक बार ज़रूर बना के इस तरह से खाइएगा, बिहार का लिट्टी चोखा तो बहुत ही फेमस है। तो देखिए इस तरह से मैं मेकर में बना रही हूँ, तो मेकर में थोड़ी थोड़ी मैं घी लगा दे रही हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी शुरू में घी लगा दूँगी तो लिट्टी चिपकेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से मैं डाल दे रही हूँ, सबको भर देती हूँ एक ही बार में। और मैं एक तरह से और लिट्टी बना के आपको दिखाऊंगी, उसमें भी घी का ही है, जिस तरह से बना के खा लीजिएगा तो बहुत ही। और गाइस ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब लोग को बनाने में आसान हो जाए, तो ऐसी वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए गाइस, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसे ढक देती हूँ और धीमी आंच में लो एकदम फ्लेम में पकानी है, नहीं तो लिट्टी आपका कच्चा रह जाएगा। तो लो फ्लेम में पकाइएगा गाइस, और मुझे इस तरह से बनाकर एक बार ज़रूर प्लीज़ इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, और बनाकर खा के मुझे बताइएगा कि आप लोग को टेस्टी लगी या नहीं लगी। टेस्टी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा और नहीं लगी तो भी कमेंट कीजिए। टेस्टी लगी तो देखिए इस तरह से मेरा लिट्टी रेडी होने वाला है। देखिए इस तरह से मैं एक तरह से और लिट्टी बना रही हूँ, ये तावे पर का लिट्टी है, और इसे मैं फिर लास्ट में सेकूंगी। तो देखिए एक मेरा लिट्टी इसमें से निकली है, और इसी तरह से मैं सारा लिट्टी को बना लूँगी। और आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, फुल देखिए लिट्टी कैसी बनती है। और देखिए इस तरह से अगर आप आग की लिट्टी बनाना चाहते हैं तो गोल, वो गोल हो गया और ये ऐसे हो गया, इसको छान भी सकते हैं। तो मैं इस तरह से एक और रेसिपी दिखा रही हूँ, इस तरह से आप आग पे इसे सेक सकते हैं, ये भी अच्छी लगती है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए इस तरह से भी आप लोग सेक सकते हैं लिट्टी। तो देखिए गाइस बहुत ही टेस्टी लगती है, छाना हुआ से ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए दो डिजाइन में मैं बनाई हूँ, तो आप लोग जिस तरह से बनाना चाहे बनाइएगा। तो यहाँ पे मेरा लिट्टी तैयार है, और मैं इसे घी में डुबो रही हूँ, डुबो डुबो के निकाल रही हूँ, क्योंकि गाइस ये लिट्टी घी का ही होता है, नहीं तो इसमें घी आप लोग चूर के भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से लिट्टी बनाइएगा, ठीक है, ओके, बाय।